मॉर्निंग ओल्ड डी एम एस स्टूडेंट। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका जिसके ऊपर है सेक्शन हेड है चिप के, यानी सेक्शन को स्लाइड के ऊपर चिपकाने के ऊपर है। यानी क्या है, कई बार क्या है सेक्शन के ऊपर अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो क्या है सेक्शन सही तरीके से स्लाइड के ऊपर चिपकता नहीं है स्टैंडिंग के टाइम पे। तो इसीलिए क्या है सेक्शन एडहेसिव यूज करते हैं, उसको अपन क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले अपन क्या है पिछले लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो कि ऊपर था आपका माउंटिंग मीडिया के ऊपर था। ओके तो पिछले मेरे लेक्चर में आपने क्या देखा था एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया के अंदर सबसे पहले क्या आता है ओपेसी मीडिया। ओपेसी मीडिया की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी उसकी क्या है आर पार देखने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 1.52 है। इट इज यूजफुल मीडिया दैट इज यूज्ड फॉर माउंटिंग सेक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। यानी ओपेसी मीडिया को अपन किसके लिए काम लेते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में लेते हैं। यानी ऐसे सेक्शन के लिए काम लेते हैं जो किसके लिए स्टैन किए गए हो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए स्टैन किए गए हो, उसी के ऊपर अपन क्या काम करते हैं ओपेसी मीडिया को डालते हैं। नेक्स्ट देखिए फेरेंट मीडिया। फेरेंट मीडिया क्या है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.43 और जो किसके लिए काम में लिए जाते हैं फैट के लिए काम में लिए जाते हैं यूरिन फैट स्टेन यानी फैट के लिए स्पेशल स्टेनिंग की जाती है उसके लिए अपन किसको काम में लेते हैं फेरेंट मीडिया को काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखो ग्लिसरीन जेली। तो ग्लिसरीन जेली की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है 1.43 यानी कितनी है 1.43 और जो जैसे हमारा फोर्थ स्टेन विद फैट स्टेन यानी फैट के लिए अगर कोई मीडियम स्टेन किया गया हो या फिर फैट के लिए कोई टिश्यू सेक्शन है स्पेशली स्टेन किया गया हो तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं ग्लिसरीन जेली को काम में लेते हैं। दूसरा क्या है हिजमैन मीडिया जो किसके अंदर काम में आता है एक्वस मीडिया के अंदर। तो हिजमैन मीडिया के अंदर देखिए आप क्या है कि जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.52 यानी 1.52 और रिकमेंडेड फॉर इंसेक्शन विच आर स्टेन्ड विद द मेटाक्रोमेटिक डाई स्पेशली फॉर मिथाइलिन वॉयलेट। यानी क्या है हिजमैन मीडिया को अपन किस कब काम में लेते हैं माउंटिंग के अंदर जब क्या है कोई स्टेनिंग के अंदर अपने को क्या है यानी कोई स्टेन किसके लिए की गई क्रोमोसोम्स के लिए की गई यानी मेटाक्रोमेटिक डाई के डाई को क्या है काम में लिया गया यानी मिथाइलिन वॉयलेट को अगर काम में लिया गया हो तो उसके साथ अपन किसको काम में लेते हैं हिजमैन मीडिया को काम में लेते हैं जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.52 यानी क्या है हिजमैन मीडिया क्या है किसके लिए रिकमेंडेड है तो क्या है वो मिथाइलिन वॉयलेट या मेटाक्रोमेटिक डाई के लिए रिकमेंडेड है उनके साथ अपन क्या है मोस्टली काम में लेते हैं। तो क्या है एक्वस मीडिया में चार प्रकार के मीडिया एक तो ओपेसी मीडिया फिर क्या है फेरेंट मीडिया तीसरा क्या है ग्लिसरीन जेली और चौथा क्या है हिजमैन मीडिया। लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए
बताए रखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, कनाडा बालसम को काम में लेते हैं। तो क्या है रेजिन्स मीडियम में क्या है कि क्या है सबसे ज्यादा और जो क्या है रूटीनली सेक्शंस को माउंट करने के लिए कौन से मीडिया काम में लिए जाते हैं, रेजिन्स मीडिया। और उनके अंदर सबसे पहला मीडिया कौन सा है, कनाडा बालसम, जो कैसे किस तरीके से काम में लेते हैं अपन 60% काम में लेते हैं रेजिन्स वेट के अकॉर्डिंग, यानी जाइलिन के अंदर 60% मिक्स करते हैं, 40% क्या लेते हैं जाइलिन और 60% क्या लेते हैं कनाडा बालसम। बस कनाडा बालसम को मोस्टली किस चीज के लिए काम में लेते हैं अपन, इमेटॉक्सिन और ईएफएन स्टेन के लिए, जिसको क्या है लंबे समय तक प्रिस्क्राइब किया जा सके। नेक्स्ट देखिए डीपीएक्स यानी डेक्सट्रिन पॉलीस्ट्रीन ग्लाइसिन, जो क्या है मोस्टली काम में लिए जाने वाला माउंटिंग मीडिया है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड माउंटेड मीडिया फॉर रूटीन प्रोसेसिंग, यानी डीपीएक्स को क्या है, डीपीएक्स को क्या है अपन मोस्टली यानी ज्यादातर काम में लेते हैं किसके अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, रूटीन प्रोसेसिंग के अंदर, यानी ज्यादातर जो सेक्शन आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर उनको माउंट करने के अंदर कौन सा मीडिया काम में लेते हैं अपन, डीपीएक्स मीडिया काम में लेते हैं। इट इज यूज एज पॉलीस्टीन रेजिन डिजॉल्व इन ज़ाइलिन एज 20% सॉल्यूशन, और इसको किस तरीके से काम में लेते हैं, ज़ाइलिन के अंदर इसको कितने परसेंट मिक्स करते हैं, 20% मिक्स करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग, तो प्रोसीजर ऑफ माउंटिंग क्या है, वही प्रोसीजर है, यानी क्या है कि अपन सबसे पहले क्या है फोर फिंगर ऑफ हैंड के अंदर क्या है स्लाइड को होल्ड करते हैं, फिर फ्लोटिंग पेपर से क्या है फ्लोटिंग पेपर की हेल्प से क्या है स्लाइड के जो एंड्स हैं उनको क्लियर करते हैं, यानी दोनों किनारों को, फिर क्या है स्लाइड के अराउंड यानी जिस जहाँ पे सेक्शन है उसके अराउंड को क्लियर करते हैं। उसके बाद में क्या है कि स्लाइड को यानी जिसके ऊपर सेक्शन है उसको कहाँ पे रखते हैं, फ्लोटिंग पेपर के ऊपर रखते हैं, और उसके साइड में क्या रखते हैं कवर स्लिप रखते हैं, और फिर क्या है सेक्शन के ऊपर क्या डालते हैं डीपीएक्स माउंटेन डालते हैं, डीपीएक्स माउंटेन डालने का जो स्लाइड है उसको इन्वर्ट करते हैं किसके ऊपर कवर स्लिप के ऊपर, इन्वर्ट करने के बाद उसको ओरिजिनल पोजीशन में लेते हैं, जिसके लिए क्या है कि जो कवर स्लिप है वो किसके ऊपर आ जाती है माउंटेड मीडिया के ऊपर आ जाती है, फिर क्या है उसका कुछ मिनट के लिए वेट करते हैं ताकि वो क्या हो जाए स्प्रेड हो जाए फैल जाए, और फैलने के बाद अगर उसके अंदर एयर बबल प्रेजेंट है यानी कवर स्लिप के बीच में और माउंटेड मीडिया के बीच में अगर क्या है एयर बबल प्रेजेंट है तो उसको क्या है रिमूव कर लेते हैं ज़ाइलिन के हेल्प से, और क्या है कि जो माउंटिंग का प्रोसीजर है उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर एयर बबल्स आ गए माउंटिंग के अंदर वो क्या है उसकी क्या है उस सेक्शन की माइक्रोस्कोपी अच्छे तरीके से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गुड माउंटेन, इन्हें अच्छे तरीके से माउंटेन है उनकी क्वालिटी क्या है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है खासियत क्या है, इट शुड हैव अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लोज टू ग्लास, यानी जो अच्छे तरीके के माउंटेन होते हैं उनकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यानी आर पार दिखने की जो कैपेसिटी है किसी मीडियम के वो क्या है ग्लास के क्लोज होनी चाहिए नजदीक होनी चाहिए, उनकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए 1.50 के नजदीक होनी चाहिए। नेक्स्ट इट शुड नॉट क्रैक आफ्टर ड्राइंग, यानी सूखने के बाद वो क्या है क्रैक नहीं होनी चाहिए। माउंटिंग मीडिया है वो किस लिए काम में लेते हैं अपन, कोई भी स्लाइड ऑफ सेक्शन उसके लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, अगर उसके बीच क्या है जैसे ही वो ड्राई होगा क्योंकि माउंटिंग मीडिया को जिस समय अपन काम में लेते हैं वो कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में, और क्या है जैसे वो क्या है ड्राई होगा सॉलिड फॉर्म में आने के बाद ड्राई होगा या फिर वो क्रैक हो जाएगा तो क्या है कवर स्लिप फट जाएगी, इसलिए क्या है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड नॉट कॉज द स्टेन ऑफ डिफ्यूज टू डिफ्यूज, यानी क्या स्टेनिंग के अंदर उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसके डिफ्यूजन के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड नॉट थ्रिंक आफ्टर ड्राई अदरवाइज द कवर स्लिप गेट रिमूव, यानी क्या है ड्राई होने के बाद माउंटेड जो मीडिया है वो क्या है क्रैक नहीं होना चाहिए थ्रिंक नहीं होना चाहिए सिकुड़ना नहीं चाहिए, अगर वो सिकुड़ गया तो क्या है कवर स्लिप जो है माउंटेड मीडिया के ऊपर जैसे ही वो सिकुड़ेगा यानी श्रिंक होगा तो जो कवर स्लिप माउंटेड मीडिया के ऊपर वो क्या हो जाएगी गैप रिमूव यानी हट जाएगी, इसलिए क्या है वो श्रिंक नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या अच्छी क्वालिटी का माउंटेड मीडिया काम में लेना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए सेक्शन एडहेसिव यानी क्या है, ऐसे मीडियम जो क्या है सेक्शन को किस से चिपकाए रखते हैं, स्लाइड से, सेक्शन को स्लाइड से चिपकने के उपयोग स्लाइड के ऊपर अप्रोप्रिएट यानी प्रॉपर पोजीशन के अंदर रखने के अंदर हेल्प करते हैं। तो देखिए टिश्यू हैज एडहेसिव आर सब्सटेंस व्हिच आर स्मीयर्ड ऑन द स्लाइड सो दैट द टिश्यू स्टिक फर्मली टू द स्लाइड एंड कैन बी प्रिजर्वड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। टिश्यू हैज एडहेसिव आर सब्सटेंस, टिश्यू हैज क्या है वह पदार्थ है which are clear to the slide that you stick firmly to the slide, यानी कि ये क्या है वह पदार्थ जो क्या है टिश्यू को किससे चिपकाने के अंदर हेल्प करते हैं, अपने को स्लाइड के ऊपर चिपकाने से हेल्प करते हैं। स्लाइड के ऊपर एडहेसिव यानी किसी चीज के साथ जुड़ना, स्लाइड के ऊपर अटैच होने के अंदर यानी फर्मली क्या है अच्छे तरीके से अटैच होने के अंदर क्या है हेल्प करते हैं। एंड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यानी क्या है सेक्शन एडहेसिव को अपन किस चीज के लिए काम में लेते हैं, जो टिश्यू सेक्शन है उसको लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट रूटीनली सेक्शन आर वेल ड्राई एंड डू नॉट कंटेन एयर बबल, द टिश्यू इज वेल एडहियर एंड सेक्शन एडहेसिव आर नॉट रिक्वायर्ड। देखिए रूटीनली सेक्शन आर वेल ड्राई, अगर क्या है जो रूटीनली सेक्शन अपन डेली इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम में लेते हैं वो अच्छे तरीके से क्या हो ड्राई हो सूखा हुआ हो। Do not contain air bubble. और उनके बीच में क्या स्लाइड और सिस्टम के बीच में कोई भी एयर बबल प्रेजेंट नहीं हो। The tissue is well adhered and sectional adhesive are not required. और क्या टिश्यू क्या अच्छे तरीके से किसके ऊपर अटैच हो स्लाइड के ऊपर और सेक्शन जो अटैच उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो। बट विद कंटेन स्टेनिंग रिक्वायर्ड एल्केलाइन मीडियम, और क्या कई बार सेक्शन को किसके साथ स्टेन किया जाता है एल्केलाइन मीडियम के साथ स्टेन किया जाता है, जैसे अमोनिया हो गया या फिर क्या जो क्या है अमोनिया स्टेनिंग के साथ कोई भी अमोनिया मीडियम काम में लिया जाता है स्टेनिंग के साथ तो क्या है वो क्या है डीअटैच कर देता है स्लाइड को, उन मीडियम के साथ क्या है सेक्शन एडहेसिव वो काम में लिया जाता है। अगर क्या है सेक्शन एडहेसिव को क्या है जब क्या सेक्शन पूरी तरीके से ड्राई हो और क्या है वो अच्छे तरीके से चिपका हुआ यानी एडहियर्ड हो और कोई भी एयर बबल प्रेजेंट नहीं हो उस टाइम पे क्या है सेक्शन एडहेसिव को काम में नहीं लिया जाता। अगर कोई एल्कलाइन मीडियम काम में लिया जाता हो जैसे अमोनिया जैसा तो क्या सेक्शन एडहेसिव को काम में लेना पड़ता है क्योंकि क्या है वो डीअटैच कर देता है सेक्शन को। नेक्स्ट आल्सो सम सिक्सेटिव कंटेनिंग क्रोमियम सो दैट टिश्यू सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन एडहेसिव फॉर अटैचिंग टू ऑन स्लाइड, यानी क्या है कुछ फिक्सेटिव मीडियम है वो क्या क्या रखते हैं क्रोमियम को रखते हैं जो क्या टिश्यू सेक्शन को क्या ऐसे तरीके से चिपकने नहीं देता स्लाइड के ऊपर, इसीलिए क्या है सेक्शन एडहेसिव की क्या है रिक्वायरमेंट होती है इसको क्या है अटैचिंग ऑन द सेक्शन स्लाइड सेक्शन को स्लाइड के ऊपर चिपकाने के लिए। तो शुरू से देखिए एक बार टिश्यू एडहेसिव आर सब्सटेंस व्हिच आर स्मीयर्ड ऑन द स्लाइड सो दैट द टिश्यू स्टिक्स फर्मली टू द स्लाइड एंड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम, सेक्शन एडहेसिव है वो ऐसे पदार्थ जो क्या है कब काम में लिए जाते हैं कि टिश्यू को क्या है लंबे समय तक स्लाइड के ऊपर चिपकने के लिए काम में लिए जाते हैं और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए रूटीनली सेक्शन आर वेल ड्राई यानी अपन क्या है रूटीनली जो सेक्शन काम में लेते हैं वो क्या अच्छे तरीके से सूखे हुए हो ड्राई किए हुए हो माइक्रोटॉमी के बाद में एंड डू नॉट कंटेन एयर बबल और उनके बीच में क्या है कोई भी एयर बबल प्रेजेंट नहीं हो तो क्या है दैट टिश्यू इज वेल प्रिजर्व्ड दैट टिश्यू इज वेल एडहियर्ड यानी चिपकना एंड सेक्शन एडहेसिव आर नॉट रिक्वायर्ड, तो क्या है टिश्यू क्या अच्छे तरीके से चिपकता है किसके ऊपर स्लाइड के ऊपर और कोई भी सेक्शन एडहेसिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट विद कंटेनिंग स्टेनिंग रिक्वायरमेंट एल्केलाइन मीडियम, अगर क्या एल्केलाइन मीडियम से स्टेन कर देते तो क्या सेक्शन एडहेसिव की रिक्वायरमेंट होती क्योंकि वो क्या है डीअटैच कर देते हैं सेक्शन को। नेक्स्ट Also some fixative contain chromium so that tissue section is required for the sectional adhesive for attaching on slide, और क्या है कुछ fixative content क्या रखते हैं क्रोमियम रखते हैं जो क्या है सेक्शन को अच्छे तरीके से चिपकने नहीं देता स्लाइड के ऊपर इसलिए क्या सेक्शन एडहेसिव की रिक्वायरमेंट होती है।
रखिए, ऑल्सो सम टिश्यूज लाइक नर्व टिश्यू ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टिश्यू कंटेनिंग ब्लड एंड डीकल्सिफाइड टिश्यू डू नॉट अटैच देमसेल्फ टू द ग्लास स्लाइड एंड फॉर दिस टिश्यू सेक्शन एडहेसिव मस्ट रिक्वायर्ड। यानी क्या है, कुछ टिश्यू जो क्या है, ऑल्सो सम टिश्यू ऑल्सो टाइम टिश्यू नर्व ऑल्सो टाइम टिश्यू लाइक नर्व सेल टू टिश्यू ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू कंटेनिंग ऑफ ब्लड एंड डीकल्सिफाइड टिश्यू। Tissue do not attach themselves to the glass side. For these tissue section adhesive must be required. यानी कुछ टिश्यू सेक्शन कैसे होते हैं, जैसे नर्व सेल का हो गया, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई टिश्यू हो गया, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई टिश्यू हो गया, या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई टिश्यू हो गया, वो क्या होते हैं, या फिर कोई डीकैल्सिफाइड टिश्यू हो गया, वो क्या है, अच्छे तरीके से क्या है, themselves यानी खुद क्या है, स्लाइड के ऊपर क्या है, अटैच नहीं होते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और फोर्थ दिस टिश्यू सेक्शन है, उनको चिपकाने के लिए अपनों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेक्शन एडहेसिव की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेक्शन एडहेसिव यानी अलग अलग सेक्शन प्रकार, अलग अलग सेक्शन को एडहेसिव के लिए कौन से काम में लेते हैं, तो देखिए एल्बुमिन हो गया, जैसे क्या है कि जिलेटिन हो गया, या फिर क्या है कि स्टार्च हो गया, या फिर क्या है, या फिर क्या है एरेल्डाइट हो गया या एगार हो गया, इन सेक्शन एडहेसिव को क्या है अपन काम में लेते हैं। तो देखिए आल्सो टाइम टिश्यू लाइक नर्व टिश्यू यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई टिश्यू हो गया, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई टिश्यू हो गया, ब्लड कंटेनिंग कोई टिश्यू हो गया, डीकैल्सिफाइड कोई टिश्यू हो गया, डू नॉट अटैच देमसेल्फ, वो क्या है, कुछ अटैक नहीं होते किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, माइक्रोटोमी की बात। फॉर दीज टिश्यू सेक्शन, कौन टिश्यू सेक्शन के लिए क्या है एडहेसिव मस्ट रिक्वायर्ड, यानी एडहेसिव की क्या है रिक्वायरमेंट होती है, और वो एडहेसिव कौन से काम में लिए जाते हैं, एल्बुमिन काम में लिया जाता है, जिलेटिन काम में लिया जाता है, स्टार्च काम में लिया जाता है, एरेल्डाइट काम में लिया जाता है, और एगार काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ सेक्शन एडहेसिव यानी अलग अलग प्रकार के सेक्शन एडहेसिव जो अपन काम में लेते हैं, तो उसके अंदर देखिए एल्बुमिन, एल्बुमिन इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट एडहेसिव, एल्बुमिन क्या है सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला और क्या चीपेस्ट यानी सस्ता क्या है एडहेसिव है, यानी जो क्या है मोस्टली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द व्हाइट पार्ट ऑफ एग, यानी इसको कहां से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, कहां से, फ्रॉम द व्हाइट पार्ट ऑफ एग यानी एग के यानी अंडे के व्हाइट यानी धोले पार्ट से यानी सफेद पार्ट से क्या अपन प्राप्त करते हैं। फॉर रूटीन यूज्ड इक्वल पार्ट ऑफ एग व्हाइट एंड डिस्टिल वाटर मिक्स बिटवीन ग्लिसरीन एंड फिल्टर थ्रू वॉर्स फिल्टर पेपर, यानी फॉर रूटीन यूज यानी रूटीन जो सर्जिकल अपन काम में लेते हैं, रूटीनली सेक्शन जो काम में लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, उनको क्या है एडहेसिव करने के लिए क्या है एग का कितना पोर्शन लेते हैं, इक्वल पोर्शन लेते हैं, बराबर पार्ट लेते हैं किसके, डिस्टिल वाटर के, और उसको किसमें मिक्स करते हैं ग्लिसरीन के अंदर, और फिर क्या उसको फिल्टर कर लेते हैं किसके थ्रू, क्वार्ट्ज फिल्टर पेपर के थ्रू, और फिर क्या करते हैं देन ए क्रिस्टल ऑफ थाइमोल इज एडेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, और फिर क्या है उस यानी जो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है किसको मिला के, व्हाइट पार्ट ऑफ एग को डिस्टिल वाटर को और क्या ग्लिसरीन को मिला के जो क्या सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें क्या मिला लेते हैं, एक थाइमोल का क्रिस्टल ऐड कर लेते हैं जो किसको प्रिवेंट करता है कि बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसमें देखिए कि एग का रेशियो कितना है 1%, यानी एग को कितने परसेंट काम में ले रहे हो आप 1%, और डिस्टिल वाटर भी कितना काम में लेते हैं 1%, और क्या काम में लेते हो ग्लिसरीन को भी 1% काम में लेते हो, यानी तीनों का रेशियो जो है अनुपात जो क्या है इक्वली काम में लेते हैं अपन क्या है सॉल्यूशन बनाने के अंदर। तो एल्बुमिन क्या है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है एक सेक्शन एडहेसिव के अंदर, और जो क्या है चीपेस्ट एडहेसिव है, और जो क्या है
यानी ओपटेन कहाँ से किया जाता है, प्रॉप कहाँ से किया जाता है, व्हाइट पार्ट ऑफ एग यानी अंडे के सफेद पार्ट से, फॉर रूटीन यूज इक्वल पार्ट ऑफ एग यानी रूटीनली यूज के लिए, नहीं जो रूटीनली अपने पास हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल आते हैं उनके काम के अंदर, क्या इक्वल पार्ट लेते हैं, एग का व्हाइट पार्ट काम में लेते हैं, डिस्टिल वाटर को काम में लेते हैं, और इन दोनों को किसमें मिक्स करते हैं, इक्वल पार्ट को ग्लिसरीन के अंदर मिक्स करते हैं, और फिर क्या इन तीनों को एक कोर्स फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, देन क्रिस्टल ऑफ थाइमोल इज एडेड, उनको क्या है उनके अंदर क्या है थाइमोल का क्रिस्टल ऐड करते हैं, किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए। एग व्हाइट इसके अंदर क्या है अनुपात क्या रेशियो क्या रखते हैं कि जितना पोर्शन आपके पास व्हाइट एग का है उतना ही डिस्टिल वाटर का लेते हैं, उतना ही पोर्शन किसका लेते हैं ग्लिसरीन का लेते हैं, फिर क्या एक प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार करते हैं सेक्शन एडहेसिव का, उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जिलेटिन, जिलेटिन क्या है 0.5% सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन विद इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर इज यूज एज टिश्यू एडेसिव, यानी जिलेटिन का 0.5% जो सॉल्यूशन है वो क्या है अपन सेक्शन एडेसिव के अंदर काम में लेते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर। इट इज ऑल्सो प्रिजर्व यूजिंग थाइमोल बिफोर अप्लाइंग ऑन द स्लाइड, इट इज जेंटली वार्म, यानी क्या स्लाइड के ऊपर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं थाइमोल को, क्या है सोल्यूट करते हैं ताकि क्या है बैक्टीरिया और फंजाई की कोई ग्रोथ ना हो, फिर क्या इसको स्लाइड के ऊपर काम में लेने से जेंटली वॉर्म यानी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि क्या है कोई बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ ना हो। नेक्स्ट थर्ड जो मीडियम है वो आपका क्या है स्टार्च है, जो कहां से प्राप्त होता है आपको प्लांट से प्राप्त होता है, यानी प्लांट की एनर्जी स्टोरेज यूनिट की एनर्जी स्टोरेज जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। तो देखिए स्टार्च ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट वाज यूज एज ए सक्सेसफुल एडहेसिव बट ड्यू टू इट्स रिलेटिवली विद सर्टेन स्टेन लाइक, यानी स्टार्च क्या है ऑब्टेन कहां से किया जाता है प्लांट प्रोडक्ट वाज यूज एज ए सक्सेसफुल एडहेसिव, जिसको किस चीज के लिए काम में लिया जाता है सक्सेसफुल एडहेसिव के रूप में काम में लिया जाता है, और जो क्या है मोस्टली कौन सी स्टेन्स के रूप में काम में लिया जाता है तो पास स्टेन्स के रूप में काम में लिया जाता है, यानी पेपेनिकुलर स्टेन के रूप में काम में लिया जाता है। इट गिव्स फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी जो पास स्टेन यानी पेपेनिकुलर जो स्टेन है वो क्या है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देती है किसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए, सो इट इज नॉट यूज इन नाउडेज, इसीलिए क्या इनको अभी के दिनों में क्या है काम में नहीं लिया जाता। तो शुरू से देखिए एक बार जिलेटिन क्या है 0.5% सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन विद इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर इज यूज एज ए टिश्यू एडहेसिव, यानी 0.5% सॉल्यूशन किसके अमाउंट के इक्वल डिस्टिल वाटर की इक्वल किसमें काम में लिया जाता है टिश्यू एडहेसिव में काम में लिया जाता है, और क्या है बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ के लिए इसमें क्या मिक्स कर दिया जाता है थाइमोल मिक्स कर लिया जाता है, और इसको क्या है गर्म यानी यूज में लेने से पहले काम में लेने से पहले इसको क्या है थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तीसरा सेक्शन एडहेसिव क्या है स्टार्च है, स्टार्च कहाँ से प्राप्त किया जाता है प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जो क्या है सक्सेसफुल यानी महत्वपूर्ण यानी काम में ले जाने वाला जो क्या है यूजफुल यानी महत्वपूर्ण क्या है सेक्शन एडहेसिव है, जो कौन सी स्टेनिंग के अंदर काम में लिया जाता है पास के अंदर, और पास क्या है अभी के दिनों में काम में नहीं ली जाती क्योंकि क्या है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉल्स रिजल्ट शो करती है। नेक्स्ट देखिए अरेल डाइट, अरेल डाइट क्या है इट इज ए सिंथेटिक कंपाउंड नोन एज एपोक्सिक रेजिन, यानी अरेल डाइट क्या है एक सिंथेटिक कंपाउंड जिसको बनाया गया है जो क्या है एपोक्सी रीजन है, एंड इज द मोस्ट सक्सेसफुल टिश्यू एडहेसिव, जो क्या है सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला सेक्शन एडहेसिव यानी सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए
Araldite is dilute with acetone in 1:10 dilution before use. यानी क्या है, Araldite को क्या है dilute किया जाता है acetone के अंदर, यानी Araldite तो कितने percent 1%, तो 10% क्या है acetone, यानी एक पार्ट तो किसका acetone का, यानी एक पार्ट तो किसका Araldite का और नौ पार्ट किसके acetone के, उन दोनों क्या है dilute कर लिया जाता है काम में लेने से पहले. As the section dries the resin polymerized to give strong bond. और जैसे ही क्या सेक्शन आपका ड्राई होगा सूखेगा तो किसमें चला जाएगा Araldite का सेक्शन पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा और क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करेगा किसके साथ स्लाइड के अंदर. नेक्स्ट आल्सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम स्टेन गिव ब्रिलियंट स्टेनिंग विद Araldite. और इसीलिए क्या है सम स्टेनिंग क्या है ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है ब्रिलियंट स्टेनिंग रिजल्ट फॉर्म करती है Araldite के अंदर कि वह क्या है अच्छे तरीके से स्लाइड के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है, यानी सेक्शन और स्लाइड के बीच में अच्छे तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट करता है, वो चिपक जाती है. और सेक्शन क्या है स्टेनिंग रिएजेंट जो अपन उसके ऊपर डालते हैं वो अच्छे तरीके से स्टेन करता है. जब अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं Araldite के साथ क्या है वो अच्छे तरीके से रिजल्ट शो करती है. तो Araldite को देखिए, इट इज ए सिंथेटिक कंपाउंड नोन एज एपॉक्सी रीजन एंड इज द मोस्ट सक्सेसफुल टिश्यू एडहेसिव. यानी क्या है Araldite क्या है सिंथेटिक कंपाउंड है जिसको फॉर्म किया गया एपॉक्सी रीजन है जो क्या सक्सेसफुल टिश्यू एडहेसिव है. और Araldite को अपन एसीटोन के साथ डाइल्यूट करते हैं काम में लेने से पहले, कितना रेशियो उसका 1:10 के अंदर काम में लेते हैं, यानी एक पार्ट किसका है अगर Araldite का तो 10:10 किसका है यानी 9:10 किसका है एसीटोन का है. और इसको किस चीज के लिए काम में लेते हैं एज अ सेक्शन ड्राइज द रेजिन पॉलीमराइज टू गिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. जैसे क्या है Araldite को काम में लेते हैं जैसे ही वो क्या है ड्राई होगा सूखेगा तो वो क्या है पॉलीमराइज हो जाएगी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर, यानी स्लाइड और टिश्यू सेक्शन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करेगा. आल्सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम स्टेन गिव ब्रिलियंट स्टेनिंग विद Araldite. और इसीलिए क्या है क्योंकि अगर वो क्या है स्लाइड और सेक्शन के बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ेगा अच्छे तरीके से चिपक जाएगा तो क्या है स्टेनिंग क्या अच्छे तरीके से होगी टिश्यू सेक्शन की और टिश्यू सेक्शन की स्टेनिंग अच्छे तरीके से होगी तो वो क्या है ब्रिलियंट डिटेल प्रोवाइड करवाएगा. इसीलिए क्या है Araldite क्या है मोस्टली काम में लिया जाता है मोस्ट ऑफ स्टेनिंग के साथ. नेक्स्ट देखिए एगार इज आल्सो ए एगार जो अपन क्या काम में लेते हैं एगार इज आल्सो ए गुड सेक्शन एडहेसिव बट इट इज यूजुअली एज ए मोल्टन एगार विच इज एडेड टू वाटर वर्क. यानी एगार को भी क्या है अपन सेक्शन एडहेसिव के रूप में काम में लेते हैं जो क्या है मोल्टन एगार के रूप में काम में लेते हैं यानी पिघले हुए एगार जेल के रूप में काम में लेते हैं जिसको कहाँ पे एड किया जाता है वाटर बाथ के अंदर. नेक्स्ट जिलेटिन कैन आल्सो बी वार्म्ड एंड एडेड टू द वाटर बाथ. जिलेटिन को अपन किसके का अंदर काम में लेते हैं कि क्या है अपन क्या है वाटर बाथ के अंदर काम में ले सकते हैं अगर उसको क्या है वार्म किया गया हो कोट किया गया हो या गर्म करके काम में ले सकते हैं. तो एगार को अपन काम में लेना हो क्या है उसको अपन क्या है मोल्टन वैक्स यानी मोल्टन एगार के रूप में काम में लेते हैं पिघले एगार के रूप में वाटर बाथ के अंदर एड कर देते हैं. यानी जैसे जिलेटिन एगार हो गया या फिर क्या ग्लूकोज एगार हो गया उस तरीके से अपन क्या है काम में लेते हैं. नेक्स्ट देखिए हाउ टू यूज एडहेसिव यानी एडहेसिव को अपन किस तरीके से काम में लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ एडहेसिव आर फिल्टर टू कोर्स फिल्टर पेपर बिफोर यूज. मोस्टली जो एडहेसिव उनको क्या है फिल्टर पेपर के अंदर फिल्टर कर लेते हैं काम में लेने से पहले. नेक्स्ट ए वेरी थिन लेयर ऑफ सेक्शन एडहेसिव इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द ग्लास स्लाइड यूजिंग यूर इंडेक्स फिंगर. यानी क्या है कि एडहेसिव को अपन किस तरीके से काम में लेते हैं कि आपके इंडेक्स फिंगर को काम में लेने लेके उसको क्या स्लाइड के ऊपर यूनिफॉर्मली यानी पूरे तरीके से क्या सब तरीके से इक्वल दिखे स्लाइड के ऊपर इक्वल अमाउंट में क्या है कि आपके सेक्शन एडहेसिव को स्प्रेड कर देते हैं जिसके ऊपर क्या है सेक्शन यानी क्या है एडहेसिव होगा चिपकेगा. और वो ये जो काम है ये जो प्रोसीजर है वो किसके हेल्प से करते हैं अपन इंडेक्स फिंगर की हेल्प से करते हैं.
तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो किसके ऊपर होगा, हॉर्निंग के ऊपर या एग्रेसिव ब्रीडिंग के ऊपर होगा या शार्पनिंग के ऊपर, यानी जो माइक्रो टॉम के अंदर जो नाइफ काम में लेते हैं उसको शार्प करने के ऊपर होगा, यानी हॉर्निंग के ऊपर होगा नेक्स्ट वन।